मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होगा गढ़वा में जोरदार स्वागत। आज दिनांक 3/12/2022 को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी का बैठक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर जिला अध्यक्ष तनवीर आलम खान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में दिनांक 8/12/2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम खतियानी जोहार यात्रा का शुभारंभ गढ़वा जिले से होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में लाखों लाख की संख्या में लोग भाग लेंगे। झंडा पोस्टर बैनर प्रचार प्रसार कर जिला में आम जनता को जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ हजारों लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की नीति से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थामेंगे। सभी तरह की तैयारी आज से शुरू करने का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री का गढ़वा में कार्यक्रम से पार्टी एवं कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और कार्यक्रम के प्रति सभी सम्मानित साथियों को आज से ही तैयारी में लगने का आह्वान किया गया। आज की बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित जिला अध्यक्ष तनवीर आलम खान, जिला सचिव मनोज ठाकुर, नितेश सिंह, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष मोहम्मद ताहिर अंसारी, मेदनी खान, जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, सत्यनारायण यादव, नगर परिषद अध्यक्ष पिंकी केसरी, नीरज तिवारी, विनोद चंद्रवंशी, फुजैल अहमद, कंचन साहू, शरीफ अंसारी, अरविंद यादव, दिनेश गुप्ता, राजकिशोर यादव, इरफान अंसारी, कामेश्वर चौधरी, आलमगीर अंसारी, रेखा चौबे, आराधना सिंह, चंदा देवी, कबूतरी देवी, पाली रानी, नेहा कुमारी, शोभा देवी, मंजू देवी, मासूम खान, लल्लू राम, जानकी सिंह, निर्मल पासवान, गुप्तेश्वर पांडे, अर्जुन मिंच, हरिदास तिर्की, चंदन पासवान, अमर राम, नागेंद्र मुन्ना ठाकुर, सुरेंद्र विकास सिंह कुशवाहा, छोटू सिंह, दशरथ प्रसाद, राजेश कुमार बैठा, राजेश कुमार, दीपक कुमार सोनी, धीरेंद्र यादव, जयगोपाल यादव, अहमद अली, शंभु सिंह करवार, आशुतोष कुमार पांडे, राजा सिंह, विवेक सिंह, अमित सिंह, चंदन पासवान, भोलू, सूरज चंद्रवंशी, नवीन तिवारी सहित सैकड़ों कार्यकर्तागण उपस्थित थे।